हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इंडिया का पूरा मैप देखेंगे और इसमें जो यूनियन टेरिटरीज हैं हम उसके बारे में देखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इंडिया के मैप और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर कभी भी आपको लाइफ में भूलेंगे नहीं। किसी भी क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी छोटा बच्चा आपसे पूछता है या आपके बड़े आपसे पूछते हैं, तो मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप को देखने से पहले देख लेते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की सिचुएशन क्या होती है मैप देखते समय। तो जैसे हम ऊपर देखते हैं, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा उत्तर है। और नीचे की साइड जब हम जाते हैं तो ये हमारा दक्षिण है, इधर हमारा पूर्व है और इधर हमारा पश्चिम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप को देखने में हम लोग सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं देखना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे साउथ में हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. Stalin, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद हमारा आता है ये केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद देखते हैं हम आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम, कन्नूर। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कन्नूर जुडिशियल कैपिटल है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद देख लेते हैं कर्नाटका को। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं B.S. येदियुरप्पा, गवर्नर है बैजू भाई बाला। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में ये अलग हो गया। इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की थी। तो अब हम तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो गई है और वहाँ के CM हैं K. चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिल साई सौंदराजन। इसके बारे में एक चीज़ और हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1956 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं आगे बढ़ते इसी क्रम में हमारा जो महाराष्ट्र है, इसकी कैपिटल है मुंबई। इसके CM है उद्धव बाल ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद इसी क्रम में हमारा आता है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। CM है भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया UK। इसके बाद हमारा ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल ने यहाँ पे एडिशनल चार्ज लिया हुआ है। अब आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा झारखंड है।
झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम इसी क्रम में इधर आ जाते हैं, ये मेरा झारखंड के बगल में हमारा पश्चिम बंगाल है, इसकी कैपिटल है कोलकाता, इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके बाद झारखंड से सटा हुआ हमारा बिहार है, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की एडिशनल चार्ज उन्होंने ले रखी है। इसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा, ये मैप में देखिए, ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। इसके बाद ये हमारा पंजाब है, ये हमारा पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी बदनौर। इसके बगल में हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है शिमला, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, तो यूनियन टेरिटरी पे गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो हम देखते हैं कि तो हम जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, पहले हम स्टेट को देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे जो सेवन सिस्टर्स कही जाती हैं इनको हम देख लेते हैं। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है प्रेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। इसी क्रम में नीचे देखते हैं, ये हमारा जो पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा नागालैंड है, इसकी कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव, गवर्नर है आर एन रवि। इसके बाद हमारा है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। इसके बाद हमारा ये है मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल आइजोल, चीफ मिनिस्टर जोंगराम तंगा, गवर्नर हैं पी एस श्रीवर्धन पिल्लई। इसके बाद ये हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, सीएम है विप्लव कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैश। इसके बाद हमारा मेघालय, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, सीएम कॉमरेड संगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक। इसके बाद हमारा ये असम, असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके बाद हमारा सिक्किम, इसके बाद हमारा आ जाता है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, इसकी चीफ मिनिस्टर है बीएस गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। चलिए हमने सभी राज्यों को देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को। इसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज़ को भी देख लेते हैं, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हम यूनियन टेरिटरीज़ को, ये हमारा पोंडुचेरी है,
ये हमारा पौंडुचेरी है। पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिल साई सौंदराजन और हमारा लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पे एडिशनल चार्ज लिया हुआ है। दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव के जो है वो प्रफुल्ल पटेल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन इन्होंने लक्षद्वीप का एडिशनल चार्ज लिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, ये है हमारा लद्दाख। लद्दाख के हैं श्री राधा कृष्णन माथुर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दिल्ली के हैं अनिल बजाज। दिल्ली के सीएम का नाम हम लोग जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि सबको पता ही होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, अब देख लेते हैं चंडीगढ़। ये हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। ये हमारी हो गई इतनी यूनियन टेरिटरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।